पटियाला में किसानों ने रोकी जानवी कपूर की फिल्म गुडलक जेरी की शूटिंग। यह फिल्म दूसरी बार है जब पटियाला में इस फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है। शनिवार 30 जनवरी 2021 को किसानों को एक समूह ने पंजाब के पटियाला जिले में आने वाली जानवी कपूर की फिल्म गुडलक जेरी को बंद कर दिया। किसानों ने अभिनेत्री से कृषि सुधार पर 3 कानून के विरोध में एक बयान देने के लिए कहा। पंजाब के पटियाला जिले में बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर की आगमी फिल्म गुडलक जेरी का फिल्मांकन शनिवार 30 जनवरी 2021 को किसानों को एक समूह का द्वारा स्थगित कर दिया गया। किसानों ने 3 कृषि सुधार कानून के विरोध में जानवी कपूर से उनके पक्ष में बयान देने की मांग की। यह दूसरी बार था जब पटियाला में शूटिंग बंद कर दिया गया। इससे पहले इस फिल्म की शूटिंग फतेहगढ़ साहिब में बाधित कर दी गई थी। शूटिंग शनिवार को पटियाला में पंजाब बाग इलाके के पास हुई। प्रदर्शनकारी किसानों ने मांग की कि जानवी कपूर उन किसानों के समर्थन में बयान दे जो नए कृषि कानून के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमने उन्हें पहले ही बता दिया है कि वे यहाँ की फिल्मांकन की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन फिर भी शूटिंग करते हैं। हमने आज फिर इसे रोक दिया। उन्होंने कहा, हमें किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। यदि वह अभिनेत्री केवल एक किसानों के समर्थन में बयान देती हैं, तो हम उसे गोली मार देंगे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शूटिंग को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया। इससे पहले 23 जनवरी 2021 को पटियाला में किसानों के एक समूह ने फिल्म की शूटिंग रोक दी थी और 13 जनवरी 2021 को फतेहगढ़ साहिब के बस्सी पठाना में रोक दिया था। किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि अभी तक इंडस्ट्री के किसी भी व्यक्ति ने किसानों के हक में कोई भी बात नहीं की है। जानकारी के अनुसार इसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए अगले हफ्ते सलमान खान भी पटियाला पहुंचने वाले हैं, लेकिन इस विवाद के साथ सलमान खान के यहां पहुंचने पर सवाल खड़े हो गए हैं। 11 जनवरी 2021 की जानकारी के अनुसार जब अभिनेत्री जानवी कपूर ने किसानों के समर्थन में इंस्टा स्टोरी शेयर की थी, तो तब भी अभिनेत्री बवाल में पड़ी रही। कुछ लोग समर्थन में थे और कुछ लोग तब भी विरोध कर रहे थे। जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लोगों तक साझा करते हुए लिखा, किसान हमारे देश के दिल हैं। मैं देश के अन्नदाता का महत्व समझती हूं और उनकी कद्र करती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकलेगा जिससे किसानों का लाभ होगा। बता दें कि हाल ही में निर्माता आनंद एल राय ने फिल्म गुडलक जेरी को बनाने की घोषणा की थी। ये फिल्म उनके प्रोडक्शन कलर येलो के तले बन रही है। इस फिल्म का डायरेक्शन सिद्धार्थ सेन गुप्ता कर रहे हैं, जबकि इसे पंकज माटा ने लिखा है। आनंद इल राय रांझना और तनुवर्ट्स मनु जैसी फिल्मों के डायरेक्शन के लिए जाने जाते हैं। जानवी कपूर इससे पहले फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के में नजर आई थी। गौरतलब है कि पंजाब हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हजारों किसानों ने कई हफ्ते तक दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला है। नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फसल की कीमतों के लिए न्यूनतम समर्थन की कानूनी गारंटी की मांग की है। मौजूदा हालातों ते नजर मारिए ता इंसान तरह तरह दियां बीमारियां नाल जूझ रहा है। इंसान बीमारियां तो छुटकारा पाउण लई तरह तरह के उपराले भी करता है और जिमें तुहाडे दुखां नूं मद्देनज़र रखते हुए इस तो पहला फीर लीफ ऑयल तैयार किया गया जिस द्वारा 125 बीमारियों का इलाज किया गया। तो हुण एक होर प्रोडक्ट तुहानूं दुखां तो नजात दवाउण लई हाज़र है, फीर लीफ पावर, जिस दे नाल तरह तरह दीआं कमजोरियां नूं दूर किया जा सकता है, जिमें मरदाना कमजोरी, अंतरियां की सोजिश, पेशाब विच जलन, दिल की कमजोरी, खून की कमी अते दिमाग नूं तेज़ करता है। अलग अलग लैबोरेटरियां तो आयुर्वैदिक माहरां द्वारा टैसट हो के आप सब दे रूबरू है और जिस दे विच कई तरह दियां आयुर्वैदिक जड़ियां बूटियां अते कई तरह के पसम मिला के तैयार किया गया है। ओ नौजवानों लई बड़ा वरदान सिद्ध हो रहा है। जो नौजवान मरदाना कमजोरी नाल जूझ रहे ने, ओ हुण फीर लीफ पावर का इस्तेमाल करन तो बाद दोबारा खोई हुई मरदाना ताकत नूं हासिल कर सकते ने। ये मेडिसन 100% आयुर्वैदिक है।
इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तुसी वधेरे जानकारी लई संपर्क कर सकते हो 9474884087।